सुख समान जो है वैराग्य धारी, गुरु वशिष्ठ सम योगेश भारी, महतमान जो कवि वाल्मीकि सा, नमन तव चरण सद्गुरु राम दासा, जय जय रघुवीर समर्थ समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय, योगिराज कल्याण स्वामी महाराज की जय, समर्थ सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जय, सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज की जय, जय जय रघुवीर समर्थ। थोड़ा संकोच हो रहा है, लोगों को लगेगा कि क्या आप ही आप बोलोगे क्या, तो ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियों का कुछ यह है, अपना प्रयत्न है कि आगे से अच्छे वक्ताओं को बाहर के और जो कर्मान्य वक्ता है ग्वालियर के उनको लाने का प्रयास रहेगा। आइए अपने समय के इसमें थोड़ा सा चिंतन करते हैं। जाने की नाथ सहाय करे, आगे क्या कौन बिगाड़ करे नर तेरो, क्या बात है। अपन जानकी नाथ के दरबार में बैठे हुए हैं, आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं रामधुन के प्रति क्या है। रामधुन और राम दो शब्दों पर चिंतन करते हैं थोड़ा सा। एक छोटी सी कहानी है, एक कीड़ा है तो गोबर में उसका आवास है, गोबर कीड़ा बोलते हैं मराठी में, उसको शेर कीड़ा बोलते हैं, उसका ट्रांसलेशन है गोबर कीड़ा कर दिया है। गंदगी में रहता है और सारा जिंदगी उसके आधे से ज्यादा जिंदगी गंदगी में निकल गई है। उसकी एक भूंगे से दोस्ती है, घोड़े से दोस्ती है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो होता है उससे उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो घोड़े की पटने लगी। एक दिन उसने क्या हुआ, उसके घोड़े को बोला तो मेरे घर पर खाना खाने आओ। घोड़ा बोला ठीक है आता हूं। घोड़ा उसके घर खाना खाने गया और उसको ध्यान में आ गया कि अपन गलत जगह फंस गए। अब वो सब वो घोड़ा मतलब क्या पराधों का कंठ पूछने वाला, अच्छे अच्छे फूलों पर अच्छे अच्छे इस पर अपना जो जैसे मन मुताबिक अपना व्यवहार करने वाला, अन्न ग्रहण करने वाला, उसको उस दिन गोबर गोबर का स्वाद लेना पड़ा, बुरा लगा उसे। अब जब यह हुआ तो कीड़े ने उसको बोला कि हाँ माफ करेगा, तो घोड़े ने उसको बोला कीड़े को अब कल तू मेरे घर में खाना खाने को, बोला ठीक है आता हूँ। समय पे खाना खाने का जो समय था उस पर कीड़ा वहां पहुंच गया, घोड़े के पास पहुंच गया। घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने उसको उठाया और उसको उठा के गुलाब के फूल पर रख दिया। कीड़े को बड़ा आश्चर्य लगा, कल तक मैं पता नहीं कल तक मैं तो गंदगी में सुबह भी गंदगी में था और एकदम इसके साथ में आने से इसने मुझे उस पर रख दिया गुलाब में, और दोनों जने वो गुलाब का जो पण जो होता है ना क्या बोलते हैं पराग, उसका माधुर्य ग्रहण करने लगे। उसको बड़ा मजा आया, उसको मन में आया कि बोले इसके कैसे धन्यवाद तू, कितने में क्या हुआ कि वहां के पुजारी महाराज को पुजारी बना जाए बोलते थे, उन्होंने उसको तोड़ लिया फूल को। अब देखिए आप फूल को तोड़ लिया और सीधा उठा के राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया। उसी क्षण में वो कीड़ा जो अभी कुछ समय पहले अपने गोबर में था वहां से फूल में आया और फूल से सीधा भगवान जी के चरणों में पहुंच गया। उसको मतलब बड़ा ये हुआ कि मेरा वर्णन पता नहीं मेरा क्या भाग्य है आज। थोड़ी उसके बाद में हुआ शाम तक भगवान के चरणों में रहा, भगवान का अवलोकन करता रहा तो क्या मेरा भाग्य है। शाम के समय पुजारी जी ने वो निर्माल्य उठाया गंगा में प्रवाहित करके, बोले बड़े बड़े लोगों को जो नसीब में नहीं है, बोले मेरे को गंगा जी के दर्शन गंगा जी का स्नान दे रहा हूँ मैं, क्या बात है। वो भूंगा वहां से आया, भूंगा उसे बोला बोल मित्र कैसे क्या हो ठीक हो, बोले भैया मैं क्या वर्णन करूं तुम्हारा, मेरे भाग्य जगह है, मैंने तुम्हारा साथ दिया और मेरे को देखिए आज का दिन मेरा कैसा गया। ये रामधुन जो है ना ये सत्संग का कुछ हमारा प्रयोजन इस तरह से है, थोड़ा यहाँ पे अनेक लोग आते हैं अनेक लोग बैठे हुए हैं, सभी को सब लोग जानते ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता मेरे पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो है मुझे नहीं जानता हो, उससे अच्छा उन्होंने व्यवहार किया पोषाक नहीं किया हो, दिखने में शायद अच्छा ना हो जो भी हो, लेकिन पता नहीं यदि उसके मन में जो यदि वो वास्तविक सत्संग है और किसी क्षण में उसके मन में रामधुन में यदि प्रेम भगवान का उत्पन्न हो जाता है, तो चूंकि मैं भी वहां पास में हूँ या हम सभी लोग पास में हैं, तो उसका जो स्पर्श है उसका जो संवेदना है वो हम तक आने में रह नहीं सकते। ये पता नहीं सबको क्षण क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए, हमें नहीं मालूम। इतने लोग आते हैं यहाँ पर, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो उसका उद्देश्य रामधुन का यही उद्देश्य है कि हम सभी लोग
और सभी लोग मन से आते हैं। इसका विशेष एक बात और भी है कि सब लोग अपने मन से आते हैं, अपने अपने कार्य छोड़ के आते हैं, दूर दूर से आते हैं, 15-15 किलोमीटर से लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मतलब लोगों का, ये भी रूप से आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि किसी का मतलब जिस समय ये संवेदनाएं जागृत होगी, किस समय प्रेम जागृत होगा और उस प्रेम का लाभ यहाँ बैठे हुए सभी को मिलेगा। आइए थोड़ा सा राम नाम का भी चिंतन करें। प्रसंग रामायण का प्रसंग है और उसमें ऐसा वर्णन आता है कि राम जी का जन्म हो रहा है, राम जन्म का उत्सव चल रहा है और उत्सव में ऐसा है कि राम जी का जन्म होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि राम जी जन्म के पूर्व की जो कथा है वो ऐसी है कि सब देवताओं को रावण ने बंदी बनाया हुआ है। मतलब इतना है कि गणेश जी, हनुमान, मतलब हनुमान जी नहीं, गणेश जी, कितने कितने देवता गणेश जी को बोलते हैं, गधों का रक्षण करने के लिए दिया, क्या गधे आते आओ, शनि महाराज जो उनको उन्होंने ऊंचा करके रखा हुआ है, उनकी सीढ़ियां बनाई हुई है देवताओं की, नवग्रहों की, सारे देवताओं को उनसे बांध के रखा हुआ है और ऐसे में सब देवता त्रस्त है और इसी समय राम जन्म का शुभ संकेत मिलते हैं, राम जन्म होने वाला है। तो देवताओं की एक सभा होती है। ये बात जो है, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये शंकर जी ने पार्वती जी से कही हुई है। शंकर, भगवान शंकर जो है तो राम, परम राम भक्त है, आप ही सभी लोग जानते हैं, और राम के प्रति कितना प्रेम है। तो प्रेम ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं, पार्वती जी को मैं कथा बता रहा हूं, किसी को बोलना नहीं, सिर्फ तुमको बता रहा हूं। तो बोला ऐसा है कि उस समय सब देवताओं की मीटिंग हुई और देवताओं ने निश्चय किया कि अपन सभी लोग हैं ना, चूंकि अपन बंदीवास में है, और वो बंदीवास मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांकेतिक ऐसे मान के चले, अपन उनकी मीटिंग हुई और वो बोलते हैं अपन बंदीवास में है और यदि अपन सब लोग वहां पर जाएंगे, अपन लोग अपने को यदि अपन लोग नहीं पाए और वो राम जन्मोत्सव के समय अयोध्या में, यदि अपन दशरथ जी के दरबार में गए, उनके महल में गए, तो रावण की जो गुप्तचर है, जो उनके स्पाय है, उनको पता चल जाएगा और फिर रावण पहले से अलर्ट हो जाएगा और भगवान राम को बचपन से ही यात्रा इतना चालू कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि राम का जन्म होने तो राम ही मेरा जन्म ही करने वाले, ब्रह्मा जी ने उसको बताया हुआ है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी वहां नहीं जाएगा, आप अपने अपने जगह पर ही रहेंगे और कोई भी चेहरे पर भी कोई हंसी नहीं लाएगा, कोई उत्सव का माहौल नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो पार्वती तुम्हें बता रहा हूं मैं, शंकर जी कह रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं, सबका ऐसा हुआ। उसमें इंद्र ने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव इंद्र का था कि ऐसा तो कोई भी जाएगा नहीं, सब अपने अपने जगह पर रहेंगे और मैंने उसका अनुमोदन किया पार्वती, लेकिन तुम्हें पार्वती बता रहा हूं, राम जन्मोत्सव जो शुरू हुआ है, ऐसा बोलते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ, सभी को मालूम है राम नवमी के दिन जन्म होता है, दोपहर में 12 बजे होता है, तो भगवान सब काल जैसा मतलब थम गया था। भगवान सूर्य नारायण भी है, वो अपने जो जगह पर है, 12 बजे ऊपर है, बिल्कुल आसमान में है, फुल इसमें है, और ऐसा बोलते हैं कि 1 महीना तक वो वहीं पर है, ऐसा वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। अब मजे की बात है कि ऐसा संभव है क्या? तो संभव है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि ऐसा संभव है क्या। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अब मैं बैठा हूँ तो आप सभी लोगों का काल पड़ा लग रहा होगा, पता नहीं कब समय जाएगा, कब समय जाएगा, इसलिए बड़ी बड़ी घड़ियाँ लगी हुई हैं, सत्संग में घड़ियाँ लगी हुई बड़ी बड़ी, और जब हम व्हाट्सएप देखते हैं ना, उस समय जरूरत नहीं पड़ती, रात के 2 बजे आते हैं, 3-11 बजे शुरू करो आप, एक तो मामूली बात है। एक बार एक ट्रेन में लोग जा रहे थे और वो झांसी में ट्रेन निकली, दिल्ली से निकली, उसको जाना था मुंबई, झांसी में उतरना, ग्वालियर में उतरना था, आपके लिए बैठे हुए बैठे और आगे जाकर उसने देखा तो बोले यार, मित्र चर्चा कर रहे थे, बोले व्हाट्सएप है ना आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अपने को आगे ले जा रही है। बोले कैसे क्या? बोले देखो ना, मैं व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, मुझे ग्वालियर उतरना था और झांसी आ गए। तो काल का मतलब बात इधर छोड़ दीजिए, लेकिन काल जब हम मग्न हो जाते हैं किसी चीज में तो हमको काल का समय का पता नहीं पड़ता। और ऐसा बोलते हैं कि 1 महीने तक सूर्य भगवान भी वहां पर रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक उन्हीं के मन में जन्म ले रहा है, सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया, वो भी आनंदित थे, प्रसन्न थे। तो इसी वातावरण में पार्वती, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि ना जो चुकी है अनुमोदन मैंने ही किया हुआ है, कायदे को सीर मैंने लगाई हुई है, लेकिन मैं चुपके से मैंने क्या किया कि अब मैंने सोचा कि अपने को तो मैं तो नहीं रह सकता भैया, ठीक है कायदा कानून सब कुछ है, मैं नहीं रह सकता, तो क्या करें, ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही कायदा बोलूँ। तो बोले ऐसा मैंने ऐसा किया कि एक को और पकड़ा जाए, तो किसको पकड़ा होगा, तो काक मुसुंडी जी को पकड़ा, आप वो भी जानते हैं, आप सभी लोग परम प्रेमी है भगवान के, बचपन में है वो कौवे का वेट लेके भगवान के आंगन में आ रहे हैं, क्योंकि वहां बंधन नहीं है कौवे के लिए, कौवा कहीं से भी आ सकता है,
और भगवान के हाथ का प्रसाद ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो काकभूषणी और द्रोण ने हमने मानव रूप धारण किया और हम लोग अयोध्या के इसमें एक महीना तक 8-10-15 दिन तक निस्तंभ होकर घूमे। क्या आनंद लिया हमने, क्या आनंद लिया हमने। ये महादेव की पार्वती जो कथा बना रहे, भगवान राम जी का जन्म होता है, अपना समय की मर्यादा है, अपन राम शब्द के ऊपर थोड़ा सा चिंतन प्रस्तुत करने जा रहे। भगवान राम का जन्म होता है और 10 दिन तक वो सब उनका चलता है, पूरा कार्यक्रम जो होता है वो 11वें दिन उनका स्नान होता है तीनों माताओं का, भगवान राम का और बाकी भरत शत्रुघ्न सभी लोगों का होता है। और 12वें दिन गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है वहाँ पर, दशरथ जी उनका बार बार उनके चरणों को वंदन कर रहे हैं और अति वो खुश में तो आनंद ही आनंद चल रहा है। यहाँ पर जबरदस्त उत्सव चल रहा है पूरा है ध्यान। और ऐसे समय उनको पाचारण किया जाता है वशिष्ठ जी को, और जो राम जी है और भरत जी है दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो भरत कहीं कहीं ने राम जी को लिया हुआ है, वो कौशल्य ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा है, मतलब राम उसमें राम का नामकरण हुआ नहीं है, नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन बोलते हैं ये बालक मेरा है और भरत तुम्हारा है, ऐसा उसका प्रेम है कैके माता का। आगे की कथा छोड़ दीजिए आप, अभी तक की बात चल रही है। और ऐसे में कैके की माता के ऊपर राम जी बैठे हुए हैं, गोद में बैठे हुए हैं, और गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी माता कैकेयी से उठा के, मतलब कैकेयी पत्नी से उठा के गुरु वशिष्ठ जी के इसमें उनको उनके गोदी में उनको देते हैं। वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर देखते हैं। अब देखिए राम शब्द जो है ना, ये राम शब्द कोई अभी का नहीं है, राम जी के जन्म के बाद में राम का नाम लिखा है उसके बाद में राम हुआ है ऐसा नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है अपना वाल्मीकि जी ने जो पूरा राम राम का जब भी किया हुआ है उस समय भगवान राम हुए नहीं है, कहीं काफी जगह दो अलग अलग मत है, कहीं मत में ये कि रामायण बाद में हुआ है, तो राम तो थे ही नहीं उस समय जब उन्होंने किया हुआ है। और समर्थ रामदास जी भी कहते हैं तो राम जो है काल था सुत दशरथ था युगानुयुगी का आत्मा राम, जो आत्मा राम है उसको भी राम कहा हुआ है, जो परम तत्व है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के हृदय में विराज करता है विराजमान है वो भी तत्व जो है परम तत्व राम ही है ऐसा कहा गया है। तो गुरु वशिष्ठ जी उनको लेते हैं और इस समय गुरु वशिष्ठ जी रोमांचित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में भगवान के बाल बालक के रूप में उनके भूत में विराजमान है, और गुरु वशिष्ठ जी जो है परम ज्ञानी है। तो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि अक्सर हम ज्ञान और भक्ति में तुलना करते हैं, समर्थ रामदास जी ने कहा हुआ है आदि से करावे कर्मो कर्म मार्गे उपासना उपासका सापड़े ज्ञान ज्ञाने मोक्ष जी पावड़े, ज्ञान के लिए मोक्ष की जरूरत है, हम भक्ति कितनी भी कर ले तो भक्ति का रूपांतर फिर मोक्ष में होता है, जब तक ज्ञान नहीं है और भक्ति कर रहा है ना तो भक्ति गौण है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। अक्सर हम ज्ञान और उसमें करते हैं, ज्ञानी का भी परिभाषा अलग है, ज्ञानी की परिभाषा क्या है, अभी चूंकि अपना ये समय जो चल रहा है थोड़ी सी बात और बता रहा हूँ, अभी दशहरा हो गए, दशहरे के बारे में मैंने पढ़ा गया क्योंकि दशहरा ये संस्कृत शब्द है, दश दुर्गुणों को जो हरता है वो दशहरा है, कौन कौन से दुर्गुण है वो, तो पहला दुर्गुण है अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है, उसके बाद में अमानवता और मानवता मतलब जो मनुष्यत्व से भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं तो भी हमारे उसमें अहंकार है, कहीं तो भी जीव अपने मानवता से भटकता है। तीसरा आता है अन्याय इनजस्टिस, फिर आता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब बातें आते हैं कहीं ना कहीं किसी प्रमाण में आती हैं, और अंत में आता है स्वार्थ, ये 10 अवगुण है, ये 10 अवगुणों का जो हरण होता है यहाँ पर उसे दशहरा कहते हैं। और विजयादशमी का मतलब है कि ये दशमी मतलब ये दशों को जब हम जीत लेंगे उसके बाद में जो विजय मनाएंगे वो विजयादशमी है, तो ऐसा ये दशहरा का ये आता है। और ज्ञानी का मतलब कहीं तो भी आता है कि ज्ञानी इन सब लोगों से सब इनके ऊपर विजय प्राप्त किया है, ये सत्संग में आने का भी हमारा उद्देश्य है, रामधन का उद्देश्य भी यही है कि कहीं को भी हमारे मन में जीवन में हमारे विराजमान ये गुण जो है ना ये कहीं ना कहीं इनकी कमियां होती जाए, और ये होता है। देखिए एक और बताऊं मैं आपको, सत्संग का एक फायदा है कि सत्संग में ना समर्थ बोलते हैं संतों के बारे में, सत्संग के बारे में समर्थ ने बोला है कि बिना सहायक मतलब आप ना इनडायरेक्टली जिससे बोलते हैं ना ये डायरेक्ट रूप है, कायदे कानून बाकी में रह जाते हैं, सत्संग में जिस समय आप आते हैं तो सत्संग के बाद में जो हमारे आचरण में या हमारे स्वभाव में जो वृद्धि होती है वो कहीं ना कहीं कायदे कानून से हटकर होती है, जो पता नहीं इसमें आधे काफी लोग सत्संग में रहते हैं, हम सत्य का संग लिया हुआ है, एक घंटे तक हम सत्य की बातें कर रहे हैं, तो ये अनेक फायदे सत्संग के हैं। तो प्रभु
ज्ञान और उसकी भक्ति की बात कर रहे थे, तो भक्ति कहीं तो भी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक भक्ति गौण है। और ज्ञान के बाद में ज्ञानोत्तर भक्ति जो होती है, देखिए एक होता है प्रेम और एक होता है परम प्रेम। जो भक्ति होती है ना सातवा अश्विन परम प्रेम रूपा से बताया गया, सात मतलब भक्ति, तो अश्विन मतलब जो भगवान के प्रति जो परम प्रेम है उसे भक्ति बताया हुआ है, इसी प्रेम को भक्ति ने बताया हुआ। तो परम प्रेम का ध्यान तक आता है बाद में परम ज्ञानी है। आपको बताओ जैसे गंगा की होती है ना, गंगा की हैदराबाद में हरिद्वार की गंगा, अलाहाबाद की गंगा, बनारस की गंगा और एक गंगा है गंगोत्री की गंगा, गंगा वही है, गंगा में फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि वो पॉल्यूटेड होते होते आती है तो अलाहाबाद तक बनारस तक आगे जाके कलकत्ता में तो गंगा राम तेरी गंगा में हो गई हो जाता है। लेकिन तब तक अपन गंगोत्री बात यदि करें तो जो गंगोत्री मतलब जो गंगा वहां से अवतरण हुई है स्वर्ग से, वो पहले वो गंगोत्री में आई, गंगोत्री ऊपर वो बार है, क्या बोलते हैं रूप है, वो अलग छूट दिया। तो ऐसी ज्ञान की जो गंगा है जो भारतवर्ष में जो हमारे पृथ्वी पर अवतरित हुई है वो वशी जी के माध्यम से हुई। जो स्वर्ग का जो ज्ञान है परम ज्ञान है जो जिसे शुद्ध ज्ञान कहा गया हुआ है वो ज्ञान वशी जी के माध्यम से ही अवतरित हुआ है, वो परम ज्ञान जैसा है, मतलब उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो जिस समय वो रोमांचित हो जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं और उनके आंखों से अश्रुधर अश्रु क्या बोलते हैं अश्रु धाराएं बह रही हैं, ये आनंद की धाराएं हैं, आनंद का वो है अत्युच्च बिंदु है। और ऐसे में उनके मुंह से शब्द निकलता है राम। राम मतलब क्या है, जो सब सारे जग पूरे जग में जितना भी सुख है ना, जितना भी आनंद है, वो आनंद का जो सागर है वो राम है, वो परम उसमें है, परम अवस्था में है। ऐसे में उनके मुंह से राम निकला हुआ है शब्द, परम आनंद के क्षण में निकला हुआ है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रैलोक सुपासी। उनका कहना यह है कि जितना भी हमारा आनंद है संसार में हम आनंद ले रहे हैं, जितना भी संसार में हम आप सोचेंगे इसकी बात सत्संग की क्या जरूरत है, राम नाम की क्या जरूरत है, हम तो आनंद हम भी आनंद ले रहे हैं ना, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसे है, सब कुछ है, सब कुछ है। फिर हमें उनका कहना हमारे जो महात्मा लोग हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे शास्त्री जो शास्त्र वचन जानते हैं, उनका कहना यह है जो आनंद हम ले रहे हैं ना हमको ज्ञान की अनुभूति नहीं है। जिस बात की वो जिस ज्ञान की बात वो कर रहे हैं, जो सुख सागर की बात कर रहे हैं, जो सिंधु सुख राशि बोल रहे हैं, हमको उसका अनुभव ही नहीं है। कि जितना भी आनंद हम ये ले रहे हैं ना ये सिर्फ द्रव मात्र के बराबर है, बिंदु के बराबर है। भगवान के इससे जो उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वो आनंद के जो आनंद हम अपने संसार में ले रहे हैं जिसमें हम मग्न है उनको जरूरत ही नहीं है। कितने मस्त है वो आनंद जो है परमोच्च जो हमारी अवस्था है, हमारे संसार सुख में भी हमको सुख मिलता है, वो जो परमोच्च जो अवस्था है आनंद की वो उस आनंद के एक द्रव के बराबर है, एक क्या बोलते हैं तुषार के बराबर है, बौछार होती है ना बौछार के बराबर है। तो ऐसा ये आनंद है और सभी लोगों ने वर्णन किया हुआ है वहां पर कि आनंदमय शास्त्र भी हमारा भगवान का वर्णन करते समय आनंदमय करते हैं, आनंदमय जो सुख दाम राम अत रामा अखिल लोक दाभक विश्राम दायक विश्राम। भगवान का जो नाम है सभी लोगों को सभी ये बताऊं उपनिषद भी उन्होंने वर्णन किया है वो आनंदमय अभ्यास करके बोलते हैं, इसका मतलब भगवान जो है आनंदमय है। और हमारा अभ्यास का मतलब अभ्यास जो हमें करना है वो करना है क्या करना है, हमारा प्रयत्न करना है उस आनंद तक हम पहुंचे। भगवान ने इसमें अच्छी बात और आती है कि गीता में भी वर्णन आता है कि भगवान का नाम क्या है, तो भगवान के नाम के राम के ऊपर बात कर रहे हैं अभी, यहाँ राम के अपने वर्णन किया तो जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें हजार नाम दिए वो कम है क्या, ऐसा प्रश्न आता है। भगवान ने गीता में जो नाम का वर्णन किया हुआ है तस्य वाचक प्रणव ऐसा कहा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका जो भगवान का जो नाम है वो प्रणव नाम है, ओम नाम है। तो सवाल यह है कि ओम कम है क्या, हम ओम को छोड़कर राम के पीछे क्यों जाए, ऐसा प्रश्न आता है। ओम के जो साधना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्या, एक आपको बता रहा हूं ओम और राम में है ना वैसे फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों की मात्राएं समान है, फोनेटिकली जिसे बोलते हैं उच्चारण से भी दोनों सेम है, दोनों का परिणाम भी सेम है, ओम कम नहीं है। अब ओम में और राम में क्या फर्क है, संतों की वाणी सुनिए, एकनाथ जी महाराज ने वर्णन किया हुआ है कि घी है हमारा घी, जब घी बनता है तो घी कुछ पीला हुआ होता है घी, लेकिन जिस समय एक ऐसे स्टेज आते हैं कि कुछ समय बाद घी जम जाता है, तो उनका कहना है कि जो घी जमा हुआ घी है, आप बैठे हुए हैं आपको उसके मास्टर है,
सारे जगह अपने ग्वालियर को घी संग्रह कर रहे हैं। घी का जो जो घी पिघला हुआ घी और जो गाढ़ा हुआ घी, जो गाढ़ा घी का जो स्वाद है वो चीज वही है। वो उनका कहना है ओम और राम में फर्क है। ओम के आनंद में वो मतलब उनका कहना पिघला हुआ घी है और राम का मतलब है जमा हुआ घी। और उनका यह कहना था कि जैसे बारिश होती है, बारिश में ओले गिरते हैं, अपन ओले बोलते हैं, ओले बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब देखिए पानी से हमें वो नहीं है, लेकिन जो वो ओरे गिरते हैं ना वो हर आदमी को लगता है कि वो ओरे उठाए और ओरे खाए मुंह में डाले। अब क्या बना के पानी एस्टू हो गया ना, वो भी तो पानी से अलग नहीं है, लेकिन जब घनीभूत हो गया है ऐसा ही तो संसार का सारा जो सुख है, जो आनंद है सारा, वो जब घनीभूत हो जाता है तब वो राम कहलाता है। जब उनके अनुभव है तो कोई बात चाहता अनुभव में होंगे। और उनका कहना यह था कि राम और उसके इसमें फर्क कुछ भी नहीं है दोनों के। ओम में क्या है कि ओम का जो साधना है वो कठिन साधना है। ओम की साधना सभी के लिए नहीं कही गई, उसके बंधन है कुछ तो। स्त्रियों को किस करना है, अब आपने देखा गायत्री का आसन आज का तो फिर सभी के लिए सब सुलभ हो गया। इसमें क्या रखा है स्त्रियों को मुक्ति के नाम पर किसी को भी स्त्रियां भी आजकल गायत्री जाप करने लगी। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मेरा मुझे बहुत ज्यादा उसका अध्ययन नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम है कि सभी का वर्णन होगा जब शास्त्र में वर्णन आता है तो उन्होंने हमारे ऋषि उन्होंने मानवीय शरीर का भी अध्ययन किया हुआ है। जो प्रजनन अंग है उसके ऊपर उसका गलत परिणाम होता है। इसलिए गायत्री जप का मान होना ऐसे ओम का जो जाप है वो किसी उन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा वर्णन आता है। उसके बंधन अनेक है, राम में कोई बंधन नहीं। आप सुनते सुनते ना बोल चाल धंधा कर, चालता बोलता धंधा करता, खाता जीविता सुखी होता, बोल चाल धंधा कर भोजन सुख जल पान उपभोग उपभोग जग भोग बहु। बात देखो राम समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं, बोल चाल धंधा कर। आप बोलचाल करिए धंधे में बैठिए, आपने आप इसमें बैठे हुए हैं गन्ने क्या बोलते हैं गल्ले में बैठे हुए हैं धंधा कर रहे हैं। बोल चाल धंधा कर भोजन सुख विश्राम जल पान उपभोग जग भोग बहु उपभोग जग भोग बहु। समर्थ रामदास जी कहते हैं अति सुखा की अवसरी मराठी में उसको अति सुख क्या होता है आपका जिस समय आप अपने संसार में रमवान है सभी को मालूम है विषय के सुख में हो। एक समय ऐसा आता है कि अति सुख में होते हैं उस समय भी राम नाम लीजिए ऐसा बोलते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक फायदा तो उसका ये महत्व का फायदा है कि यदि समझ लो उस समय यदि कोई गर्भाधान की अवस्था बनती है तो जो बीज है वो राम नाम के ऊपर ही उस बीज का बीजारोपण हो जाता है, वो परम भाग्य जो गर्भ होगा परम भाग्य होगा उसका। विष्णु नहीं प्रभु नाम, ये राम समर्थ रामदास जी कह रहे हैं। और ओम के साथ में क्या होता है कि ओम में ऐसा नहीं है, ओम के ओम की मर्यादा है, ओम के बंधन है। और बता दूं आपको कि राम में र अ और म तीन अक्षर है। ये र का मतलब हो गया अग्नि बीज, म का मतलब हो गया सूर्य बीज, और राम म का र रा र अ म का मतलब हो गया चंद्र बीज। तो सारे पात्र सूर्य बीज का मतलब अग्नि बीज का मतलब है कि जितने भी हमारे पातक हैं उन सभी पातकों को ये जला जाता है। और चंद्र बीज का मतलब है कि शीतलता प्रदान करता है, हमारे मन में शीतलता प्रदान करता है, हमारा मन शांत होता है। इन लोगों का यहाँ पे काफी लोग बड़े बड़े लोग हैं और सभी को काफी लोगों का अनुभव है। हमारे कवसा भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अपने आदरणीय गुरु जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे गुरु जी बैठे हुए हैं, सभी को इसका आप सभी लोगों का अनुभव है। आप तरुण पीढ़ी बैठे हुए सभी लोगों का अनुभव है, मन में शीतलता शांत होता है। परिस्थितियां बदल नहीं सकते लेकिन मनस्थिति बदल जाती है, हमारी मनस्थिति से शांत हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आते हैं हमारे जीवन में। और सूर्य बीज जो होता है वो तेज प्रदान करता है, हमारा जीवन भी तेजस्वी हो जाए, प्रपंच का नहीं कह सकते लेकिन जीवन तेजस्वी हो जाए ये निश्चित तौर पर है। और ऐसा ये राम नाम है, तो इस राम नाम के पीछे हम जो भी हमारा उसका उद्देश्य है समर्थ रामदास जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। बहु सागर है राम नाम या राघव आगे, समर्थ रामदास जी ने बड़ा किस लोग मराठी में कहा हुआ है, बहु सागर नाम या राघव आगे अति साधिर स्वल्प छोटा सा है, अति साधिर सुंदर है, साधिर स्वल्प सोपे आसान है, फुकाचे फोकट में है, पैसा देना नहीं है। अति साधिर स्वल्प सोपे फुकाचे कड़ी मूल निर्मूल या कड़ी मूल निर्मूल घेटा भाव। यदि हम राम नाम लेते हैं तो हमारा संसार की जो जितने भी भौतिक व्याधियां हैं उनका निर्मूल करने का उसको ताकत है। और ये जीवा मानवा बीजी कैवल के साथ है, मानव ये भगवान का जो हमारे जीवन है, जीवन का जो कैवल्य जो कहते हैं, जो मोक्षम कहते हैं, जो साहित्य मुक्ति कहते हैं, वो अत्युच्च पायरी जो अत्युच्च जो सीढ़ी है कुछ भी नहीं है, वो राम नाम ही है, भगवान का राम नाम ही है।
अनेक बातें, अपना समय हो गया है। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ, एक अच्छा संयोग बन रहा है, अभी दशहरा भी हो गया है, अपना अब पूजागिरी का समय आ रहा है, वो जागृति। पूजागिरी का मतलब कौन जागरूक है, जागरूक का मतलब हम सो रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं और घर पे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक है, हमारे मानव का जो जीवन का जो कर्तव्य है, जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसके प्रति हम कितने जागरूक है। ये त्यौहार जो है वो पूजागिरी का आ रहा है, और पूजागिरी के ऐसे पावन पर्व पर मानस भवन, अपने मानस भवन के अध्यक्ष हैं आप, पापीगर जी बैठे हुए हैं, एक अच्छा सुखद अवसर रहता है कि उपेंद्र जी का परसों 19 तारीख से और 23 तारीख तक, 23 तारीख तक 19 से 23 तक शाम को 5:30 से 7 बजे तक, तो 5:30 का मतलब शुरुआत होगी, 6:15 बजे शुरू, 6 से 7 बजे घंटे का वो है, ऐसा एक 5 दिवसीय वाल्मीकि रामायण के ऊपर प्रवचन पिछले साल भी हुआ था। वो सौभाग्य से एक महीना मुझे भी यहाँ करने का अवसर मिला था, लेकिन वो उस समय कोरोना काल था, काफी कम लोगों में वो यहाँ पर हो गया। संगीत में प्रवचन है मानस भवन का जो छोटा हॉल, नया हॉल जो है हॉल में है, 19 तारीख से 23 तारीख तक शायद 5:30 का जो समय है, 6:45 बजे से शुरू होगा, 6 से 7 बजे का समय रखा हुआ है। दूसरा आज जो है, आज इनका छठा व्याख्यान माला में अभी 7:15 बजे से प्रवचन है, कीर्तन परंपरा के ऊपर प्रवचन है, उसका भी आप सभी लोग लाभ लीजिएगा, अपन यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसा जो भगवान का नाम है, ये नाम हमारे जीवन में उतर गया है, एक मंदिर के कार्यक्रम में ऐसा है कि तारीख 20 से पूजागिरी से, पूजागिरी 19 को है, शरद पूर्णिमा से 20 को, हाँ 20 तारीख तो 20 तारीख से अपने यहाँ जो प्रतिदिन सुबह काकड़ आरती होती है, मंगल आरती जो होती है, वैसे मंगल आरती 12 बजे होती है, लेकिन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में अपन सुबह 5:30 से 6 को 5 मिनट पहले, मतलब 25 मिनट का समय होता है, घड़ी से चलता है, 25 मिनट में आप फ्री हो जाते हैं, 5 मिनट का प्रसाद उस बाद फ्री हो जाते हैं, तो जिनको संभव हो, जिस तक तो 5:30 बजे सुबह यहाँ पर आए, फिर 5:30 बजे शुरू होगी, 5:55 बजे खत्म हो जाए, 6 बजे तक खत्म हो जाएगा पूरा कार्यक्रम, 20 तारीख से एक महीना चलेगा, अगले पूर्णिमा तक चलेगा। तो ऐसा यह कार्यक्रम है, अपन राम नाम में सभी लोग लिप्त है, हमारे इंटेंसिटी और बढ़े, हमारे जीवन में क्या आखिरी में जो है सब कुछ छूटने वाला है, सिर्फ राम नाम ही हमारे साथ में आने वाला है। इसी के साथ मैं अपने यहाँ पर विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर।